नमस्कार डोगरी खबरें इस बुलेटिन च मैं रेखा मनासा हुन लोपा च इस वेले दे लेखे जोखे पर उग्रवादी अज अनंतनाग दे खन्नाबल चौक उपर जम्मू कश्मीर दे एसपीओ उपर हमला कीता जिस करी ओह पूरे तरीके कन्नै काल होई गया। एसपीओ दी पछाण तिलोक सिंह दे रूप च कीती गई है जिसदी अस्पताल दाखिल कराया गया। दऊं दिहाड़े पहले भी उग्रवादी बिजबिहाड़ दे कटसू इलाके च इक पुलिस कर्मी ते ओहदी घरैले की गोली मारी ही। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह होरें उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा हुंदे कन्नै रामगढ़ सैक्टर दे सीमावर्ती ग्रां कमोर दा दौरा कीता। इस दौरान क्षेत्र च बिजली दी समस्या दे हल ताईं 6.3 मैगावाट थमां बधाइए 10 मैगावाट कीते गेदे पावर स्टेशन दा उद्घाटन कीता गया ते क्षेत्र दे लोकें दी दरीना मंग गी पूरा भी कीता गया। इस अवसर उप्पर डॉक्टर निर्मल सिंह होरें पावर स्टेशन गी अपग्रेड कीते जाने उप्पर लोकें गी मुबारख दित्ती। उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा हुंदे आसिया भी इस मौके उप्पर लोकें गी संबोधित कीता गया। ये जो आपकी सड़क है यहाँ से केसों से लेकर नंगे तक रंगूर ये सैंक्शन हो गई है, इसका फाइनल अप्रूवल जो है वो हफ्ते तक आ जाएगा। 10 MVA का हमने ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर लगाया है। एक बहुत बड़ा जो रिलीफ जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा, जो बॉर्डर के लोग हैं इस फायरिंग में वहाँ डटे रहते हैं, किसान हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। लगभग 3,000 लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है और इस पर लगभग 70 लाख रुपया इस पर लगा है। यहाँ पर यहाँ से जो ट्रांसफार्मर हमारा निकलेगा वो हम राया में लेके जाएंगे, वहाँ के लोगों को हम रिलीफ मिलेगा। ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है हमारी जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार का। आने वाले वक्त में DDU JY में और PMDP में और जो सौभाग्य जो नई स्कीम जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है कि हर घर को बिजली देने का, लगभग 82 करोड़ रुपया सांबा जिले में लगेगा और आने वाले 1.5-2 सालों में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं होगी और उसको जो है पूरा जो है 24/7 बिजली देने का हम प्रयास करेंगे। मैंने लोगों से अपील किया है कि जिस तरीके से हम पावर डिपार्टमेंट जो है जिसका मैं मंत्री भी हूं और गंगा जी के एफर्ट से जो हम ये कर रहे हैं तो आपके सहयोग की ज़रूरत है। मुझे बताया गया है कि यहाँ 50% ATCN लॉसेज हैं कि बिजली जो है देते तो हैं लेकिन उसका किराया नहीं आता, लीकेज है लोगों में और डिपार्टमेंट के जो लोअर लेवल के लोग हैं उनमें आपको मिली भगत है। तो लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप जो है हमें सहयोग करिए, हम आपको 24/7 क्वालिटी पावर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ते नॉन टीचिंग स्टाफ के सनखड़े ते उद्यमी स्थानीय नौजवानों ताई 40% हिस्सा देने की मांग की है। उन्हें आखिया कि यह दवे संस्थान इस निर्वाचन हल्के च पाते हैं ते इत्थों के स्थानीय की पहले भर्ती होना लोड़दा है। कल नगरोटा के पंजग्राई इलाके के दौरे के दौरान उन्हें यह गल आखी। देवेंद्र सिंह राणा और आखिया कि क्षेत्र च पढ़े लिखे नौजवानों के अलावा बेरोजगार युवकों की काफ़ी संख्या है जिसके ताई विचार करना लोड़दा है। बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन देने ताई भारतीय फाउंडेशन की गल करते हुए देवेंद्र सिंह राणा और आखिया कि क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम का पहला कार्यक्रम सनकड़ा रहा। उन्हें आखिया कि इस कार्यक्रम की बाकी इलाकों च भी पहुंचाया जाग। अपनी कोई जिद्द हो गल